मैं खबर सिंह लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि है JNU से, जहाँ पर एक बार फिर से यानी कि करीब 3 वीक के बाद, 3 सप्ताह के बाद एक बार फिर से मामला सामने आ चुका है JNU से। पूरे देश में एक तरफ से शांति का माहौल था, हम सबसे आप सबसे यही अपील करते हैं कि प्लीज शांति बनाए रखिए। बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जहाँ पर आज JNU में ABVP और आयशा के बीच जो झड़प देखने को मिली है वो आज तक कभी भी इस तरीके से देखने को किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिली है। हम बात कर रहे हैं उस मामले के बारे में जिसके बाद से JNU एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। अभी हाल ही में जामिया चर्चा में आया था NRC को लेकर या फिर CAA को लेकर, लेकिन वो मामला शांत हो चुका था और किसी भी तरह से अब कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन एक बार फिर से जो मामला सामने आया है वो अब आया है JNU से, जहां पर छात्र जो थे, पहले बताया ये जा रहा है कि जो छात्र हैं वो अभी तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कुछ छात्र और आते हैं और जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र उनसे लड़ाई कर बैठते हैं। बड़ी बात यह है कि लड़ाई जो है वो स्टार्ट तो छोटे तरीके से होती है, लेकिन बाद में वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे बहुत हंगामा हो जाता है। और नतीजा क्या रहा इस लड़ाई का ये भी जानते चलिए। नतीजा इस वक्त लड़ाई का ये है कि 50 से अधिक छात्र इस लड़ाई में घायल हो चुके हैं। साथ ही साथ इस लड़ाई के अलावा जो वहाँ के स्टाफ हैं उनको भी चोट लगी है, ये भी ध्यान में रखिए। और बड़ी बात ये है कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर रिपोर्ट मांगी है और कमिश्नर से जवाब भी मांगा है। तो इतना कुछ हो चुका है। बड़ी बात ये कि केजरीवाल जी का कहना है कि हम इस प्रदर्शन से हैरान हो चुके हैं कि ऐसा कोई भी माहौल था नहीं, हम उस प्रदर्शन से हैरान हैं। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी का बयान इस पे ये आया है कि हम इसकी निंदा करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छात्र आपस में भिड़ गए और नतीजा ये रहा कि 50 से अधिक छात्र घायल हो चुके हैं। तो शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।